गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। दिस इज योर सोशल साइंस पीरियड, प्लीज टेक आउट योर बुक फॉर सोशल साइंस बुक। नाउ ओपन पेज नंबर P-219। हियर इन लास्ट क्लास में हम लर्न अबाउट इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, हमने सिक्स फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, द इक्वल राइट टू वोट। सो इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके पास इक्वल राइट है वोट करने का। वो चाहे तो किसी को भी वोट कर सकते हैं और चाहे तो किसी को वोट नहीं कर सकते हैं, इट्स अप टू देम। और वैसे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इलेक्शन टाइम पे ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी को वोट नहीं देना चाहते तो हम NOTA, ठीक है, नोटा को वोट कर सकते हैं। इसका मतलब हम किसी को वोट नहीं देना चाह रहे हैं। ओके, सो अगर आपकी एज 18 प्लस है, यानी 18 या 18 से ज़्यादा है, तो आप लोग वोट दे सकते हो। So let's start. In India, every citizen above the age of 18 years, whether male or female, irrespective of caste, class, education, qualification, employment status, financial status, has a right to exercise his or her vote. So India में हर citizen जो कि 18 years से ज़्यादा का है, चाहे वो आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे किसी भी caste का हो, किसी भी class का हो, किसी भी education qualifications की कितनी भी हो, कुछ भी वो काम करता हो, कुछ भी उसके पास अमीर है, गरीब है, कुछ भी है वो, लेकिन वो अपना वोट दे सकता है। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। डेमोक्रेसी क्या होती है, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो उसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है वोट करना, और वोट करने से आपकी जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल रहती है। द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इक्वालिटी। और इस जो वोट देने का हमारा काम है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी वजह से क्या होती है, लोगों में इक्वालिटी आती है। अब वोट देने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि इस कास्ट के लोग इस जगह पे जाके वोट देंगे, इस कास्ट के लोग इस जगह जाके वोट देंगे, या ये वाले कास्ट के लोग इन्हें वोट नहीं दे सकते, इस कास्ट के लोग इन्हें वोट नहीं दे सकते। तो इस तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। दिस अलाउ एवरी सिटीजन इक्वल राइट इन द सिलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एंड दस हैव अ से इन द वर्किंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, वर्किंग ऑफ अवर डेमोक्रेसी। सो हमारी डेमोक्रेसी के लिए काम करने के लिए हमें रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी हम सोचते हैं कि ये इंसान हमारे लिए अच्छा कर सकता है, हमारे लिए सोसाइटी को, हमारे सोसाइटी के लिए बेटरमेंट ला सकता है, तो हम उसको वोट दे सकते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इक्वालिटी। ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है सोशल इक्वालिटी का, सामाजिक बराबरी का। हाउ पीपल यूज इट टू देयर एडवांटेज इज व्हाट मेक इट पावरफुल। और लोग किस तरह से उसे यूज़ करते हैं, कैसे अपने एडवांटेज में लाते हैं, ये उनकी पार है। हमारे पास वो पार है ताकि हम लोगों को चुन सकें, उन लोगों को चुन सकें जो हमारे लिए अच्छा काम कर सके, जो हमारे बेटरमेंट के लिए काम कर सके, और इससे बड़ी पार किसी के पास नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट, इक्वालिटी इन अदर स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के और भी स्फीयर्स हैं जहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है। All the citizens of India have the right to vote and that make them equal. सारे जो citizens हैं इंडिया के, उन्हें वोट देने का हक है और इसी की वजह से वो इक्वल हैं, बराबर हैं। But are they truly equal in other places too? क्या वो इसके अलावा भी और places में equality है या नहीं है? Inequality is prevalent in religion, financial status, education qualification and caste hierarchy in spite of our best efforts. हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इनइक्वालिटी, विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ इक्वालिटी, इनइक्वालिटी अभी भी प्रेजेंट है रिलीजन के बेस पे, फाइनेंशियल स्टेटस के बेस पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे और कास्ट हायरार्की के बेस पे। ठीक है, अब हमने बहुत कोशिश की है एंड इट्स चेंजिंग नाउ। हम जो यंगस्टर हैं ये ज़्यादा एजुकेटेड हैं और ये लोग फॉलो नहीं करते हैं कि कौन किस रिलीजन का है, कौन किस कास्ट का है। अगर हम अभी अपने अराउंड देखें, वी हैव फ्रेंड्स जो कि हमसे दूसरे कास्ट के हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, ठीक है, कुछ बहुत गरीब भी हो सकते हैं और कुछ अमीर भी हो सकते हैं, तो हम लोग ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं बिकॉज हम थोड़े एजुकेटेड हो चुके हैं। लेकिन
कुछ टाइम पहले तक हमसे पहले जो जनरेशन थी वो उसको ज़्यादा मानती थी, उससे पहले वाली उससे और ज़्यादा मानती थी। तो अभी हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बट येस इट्स इम्प्रूविंग अ लॉट, ये बहुत इम्प्रूव हो रहा है। इंडिया इज पार्ट ऑफ एन एंशियंट सिविलाइजेशन विच हैड अ वेरी रिजिड कास्ट सिस्टम। और इंडिया का तो वैसे भी जो हमारे एंशियंट हिस्ट्री है उसमें हमें वैसे पता लगा ब्राह्मण अलग हैं, शूद्र अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, ठीक है, राजपूतार अलग हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पहले से अपने एक तरह से कहते हैं ना अपने साथ लेकर चल रहे हैं, विरासत में लेकर आए हैं हम ये अपने साथ, कि हमारे जो एंशियंट एंसेस्टर्स थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनसे हमने ये सीखा है कि हाँ ये है और ये छोटा है, नहीं ये गरीब है, ये अच्छा नहीं है, ये मुस्लिम है ये अच्छा नहीं है, ये हिंदू है ये अच्छा नहीं है, ये क्रिश्चियन है ये अच्छा नहीं है। तो मतलब अपने से ऑपोजिट कास्ट या रिलीजन के बारे में हमारे जो थॉट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं और वो अभी तक चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी आती है। द इनिशियल कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल आइडेंटिटीज ऑफ द इंडिविजुअल बट हैज़ अंडरगोन चेंजेस ओवर द ईयर। जैसे मैंने बताया लोग क्या काम करते हैं इसके बेस पे भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जैसे कोई झाड़ू पोछा कर रहा था हम उसको अपने से छोटा समझते हैं, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। आज की डेट में हम जो यंगस्टर हैं वो चाहे हमसे नीचे काम करने वाले हो, कुछ भी काम करने वाले हो, वी रिस्पेक्ट देम अकॉर्डिंग टू देयर एज, हम उनकी एज की वजह से उनसे रिस्पेक्ट करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि हमसे छोटे हैं, हमसे छोटा काम करते तो हम उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। ये अब चेंज हो रहा है विद टाइम। नाउ कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग वन इज बॉर्न विद। अब कास्ट आइडेंटिटी वो है जो कि हम जिससे पैदा हुए, जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट हैव बीन मार्जिनलाइज्ड एंड ऑप्रेस्ड। जो पीपल होते हैं जो लोअर कास्ट के होते हैं, पुअर होते हैं, उनको ऑप्रेस के जानता है, उनको दबाया जाता है हर जगह पे, उनको कम समझा जाता है। वी रीड इन न्यूज़ पेपर हाउ स्टूडेंट इन सर्टेन स्टेट फ्रॉम दलित कम्युनिटीज आर मेड टू स्वीप द स्कूल क्लीन यूटेंसिल्स एंड टू मीनियल जॉब्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स दैट दे अटेंड। इज इट नॉट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। सो हम न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि कई आपके स्कूल होते हैं या हॉस्टल होते हैं वहाँ पे जो दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं, ठीक है, जो बच्चे दलित कम्युनिटी से आते हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती की जाती है कि उनको झाड़ू पोछा करना है, उन्हें बर्तन करना है, एंड दोज फ्रॉम द अपर कास्ट उन्हें दिया जाता है कि आप तो बहुत अच्छे फैमिली के हो तो आप आराम से रहो, आपको जो काम करवाना है इनसे करो। तो ये चीज़ें हो रही है अभी भी, है ना। इज दिस नॉट अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। तो आपको क्या लगता है कि ये इनइक्वालिटी नहीं है तो और क्या है? अगर हम लोगों को इस बेस पे काम दे रहे हैं कि तुम लोग छोटे हो, तुम्हारी कास्ट कम है, तो ऑफकोर्स इट्स अ इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी ही है। बट थैंक गॉड कि अब ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, लोग नहीं मानते हैं, हम ये सब जितने एजुकेटेड हो रहे हैं हम इन सब चीज़ों को कम समझते हैं, हम लोगों को लगता नहीं है कि ये चीज़ें होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। सो विद दिस क्लास एंड हियर आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।